हाथ का मतलब ये नहीं कांग्रेस को वोट डालना। आज कुछ कभी ने लोग, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मफाद परस गुंडे रोड़े जितने हैं वहाँ सब क्रिमिनल वहाँ मौजूद है, ये दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। एनआरसी में, हलाल कट में, लॉकडाउन में, गौकशी बिल में, रिजर्वेशन में, ये तमाम हिजाब के मसले में, तमाम मसले में नासिर उस्ताद, असगर चुगल, इजाज बगन होना, लेकिन वोट डालने के लिए कनीस फातिमा होना, कांग्रेस पार्टी होना। मैं ये भी कहता हूँ आपको डेफिनेटली, वो जीते तो भी गायब है, हारे तो भी गायब है। और उलमा इकराम की मौजूदगी में ये कहा गया कि गुलबर्गा नॉर्थ में एक मर्द नासिर हुसैन उस्ताद की आप तायद कीजिए, जो आगे बढ़ रहा है यानी नासिर उस्ताद, उसको आगे छोड़ देंगे, हम उसके लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर बाज़ाब्ता ऑफिशियली MLA इलेक्शन में नासिर हुसैन उस्ताद की भरपूर तायद का ऐलान करता हूँ। आपने देखा कि कौन काम किया क्या नहीं, तो आपको 5 साल का इनाम नासिर हुसैन उस्ताद को 10 तारीख को आपको देना है। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl, Mizgori Road, Gulbarga Girls PU College, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Happy Days Play School, Old Jivargi Road. आज हम एक मुत्तफिका फैसले के लिए जमा हुए हैं और अभी इलिया सेठ बागबान ने सबको ये अहद लिया है कि हम सब यहाँ पर नासिर हुसैन उस्ताद को कामयाब करेंगे। तो मैं उनकी इस बात की तरफ ये कहना चाहता हूँ, एक 2-4 मिनट में यूँ तो बोलना बहुत है लेकिन वक्त नहीं है, फिर अभी ये सिलसिला, ये शुरुआती सिलसिला है, फिर हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे और जो भी हमारे सामने जो मसले मसाइल गुज़िश्ता 5 साल हो या 6 साल हो उसमें जो दरपेश आए हैं हम उस पर बात करेंगे। सिर्फ 3-4 बातों की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हमारे पास यहां जो मुकाबला है सैरुखी मुकाबला है यानी ट्रायंगुलर फाइट है गुलबर्गा शुमाल में, तो इस सिलसिले में बहुत अच्छी अच्छी बातें शुरुआत में निकल कर आ रही थी कि हम एक मर्द को, हम एक काबिल इंसान को जो इस MLAship के लिए काबिल है उसको चुनकर लाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फिर कई सारी कोशिशें हुई, गुलबर्गे के कई एक अहम लोगों ने पार्टी पर एक सवालिया निशान उठाया और गुजारिश भी की, मुतालबा भी किया कि हमको इस मर्तबा तब्दीली चाहिए। इसके बावजूद हमारी राय को मुस्तरद कर दिया गया। जब आवाम की राय को जब मुस्तरद की जाती है यानी मुसलमानों की राय को जब मुस्तरद की जाती है तो उसका जवाब क्या होना है हमको 10 तारीख को बताना है, यानी अव्वल वक्त में वोट डाल करके हमको यहाँ पर पार्टी को देखना नहीं है। और जितने भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं वो कांग्रेस में हमने काम किया है, वोट डाला है और MP इलेक्शन में 90,000 गुलबर्गा शुमार से सभी हमने मिलकर के कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, वो इसलिए कि हम ये नहीं चाहते कि BJP कभी भी इख्तदार में आए। तो लिहाजा तो बात इलेक्शन की हो रही थी, चाहे तो मैं भी एक दावेदार आपके सामने आज़ाद के तौर पर आ सकता था या किसी पार्टी से आ सकता था, इलियास बागवान भी किसी पार्टी से या आज़ाद के तौर पर आ सकते थे, लेकिन हम सब ने जो तमाम जो जिम्मेदारान हैं उनसे बात करके ये देखा कि हम आप सब मिलकर आपस में अगर ठहरेंगे तो ज़रूर ये सीट हाथ से निकल जाएगी, लिहाजा इस मर्तबा जो आगे बढ़ रहा है यानी नासिर उस्ताद उसको आगे छोड़ देंगे, हम उसके लिए काम करेंगे। तो हमने ये फैसला सब ने मिलकर किया कि उनको आगे छोड़ें, तो इसलिए कि आपने NRC में देखा ये जितने भी लोग हैं, हम NRC पे, हम स्टेज पे सब लोग मौजूद थे, एक मारुति मानपड़े यहाँ पर नहीं थे, तो रात में हम सबको हाउस अरेस्ट किया गया, थ्रेट किया गया, सेक्शन 144 जो इम्पोज किया गया था उसको हम सब ने मिलकर तोड़ा।
तो जब नासिर उताद होना, असगर चुलबुल होना, इलाज बागान होना, माजिद प्यारे होना, सब होना कौम को। और लॉकडाउन में आपने देखा कि किस तरीके से हम सब ने मिलकर काम किया। नासिर उताद के ऊपर भी एफआईआर हुआ, हमारे ऊपर भी एफआईआर हुआ, तब भी काम किए। और दीगर जो मसले मसाइल हमारे सामने आए, गाँव कशी का बिल हो या जुलूस मिलादुन नबी हो, ये मुसलसिल हम आवाम में रह करके हमने अपने मसाइल को लेकर के नासिर उताद भी साथ में रह करके लड़ा। लेकिन ये हमने कभी महसूस नहीं किया कि हमारे यहाँ एक MLA चुन कर आया है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज जो लोग हैं जो सीट बचाने की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 15,000 वाला 70 कैसा लेता है और 60 वाला 70 के नज़दीक होता है, तो NRC में, हलाल कट में, लॉकडाउन में और गावकशी बिल में, रिजर्वेशन में, ये तमाम हिजाब के मसले में, तमाम मसले में नासिर उस्ताद, असगर चुलबुल, इजाज़ बागान होना, लेकिन वोट डालने के लिए कनीस फातिमा होना, कांग्रेस पार्टी होना, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। आप हक का साथ दीजिए। ये सब सामने हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक मोहरा बना कर कर पेश किया जा रहा है, तो इसको आप समझिए, समझ करके उन लोगों से ये कहिए कि हम लीडरशिप को चुन रहे हैं, एक अच्छे आदमी को चुन रहे हैं, एक अच्छा नुमाइंदा हम यहाँ चुनने की कोशिश कर रहे हैं। हमको सीट बचा कर जो है ना, फिर मैं ये भी कहता हूँ आपको, डेफिनेटली वो जीते तो भी गायब है, हारे तो भी गायब है। ये बात लॉकडाउन में NGO फेडरेशन और सब ने हमने साबित कर बताई कि हमने हमारी लड़े, हम खुद लड़े। हिंदुस्तान में गुलबर्गा ऐसा, मोहनपुरा ऐसा, जो लॉकडाउन में जो मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी साहब का जो इंतकाल हो गया, खिले में तब्दील हो गया था, जाने लोग डर रहे थे। तो इन हालात में आपने देखा कि कौन काम किया क्या नहीं। तो आपको 5 साल का इनाम नासिर हुसैन उस्ताद को 10 तारीख को आपको देना है। लिहाजा मैं अभी तक जो 5 साल में मैं बिल्कुल दूरी में था, कांग्रेस पार्टी से दूरी इख्तियार किया हुआ था, तो यहाँ पर बाज़ाब्ता ऑफिशियली MLA इलेक्शन में नासिर हुसैन उस्ताद की भरपूर तायद का ऐलान करता हूँ। और आप तमाम से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आज अहद लेकर यहाँ से उठें और पूरे गुलबर्ग में एक मैसेज जाए, ताकि लोग जो बेचैन हैं, कि कन्फ्यूजन है, अभी कुछ बात आई कि सामने कन्फ्यूजन है, मेरे पास भी कई फ़ोन आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो जब ये हमारा फैसला होगा, एक बड़ी आवाज़ यहाँ से उठेगी, तो इंशाल्लाह यहाँ पर जाफर शाह साहब हैं, दरवेश बिरादरी सर, उनका भी अनकरीब हम कर रहे हैं कि उनका एक ऐलान होगा, हमारे इलियास बागान साहब, हमारे मुश्ताक साहब बागबान हैं, उनकी जानिब से भी बिरादरी सर से ऐलान होगा। तो ऐसे ऐलान जब एक हफ्ता मुसलसिल जब चलते रहेंगे, तो लोगों को समझ में आए कि हाँ भाई, ऊँट जो का जो करवट है वो जो बदल रहा है, ये माहौल चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से जब माहौल चेंज होगा, तो वो जो लोग जो गैर जरूरी अपने मफाद के लिए और अपनी गुतेदारी के लिए और अपने आँखों को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि सीट बटाना ज़रूरी है वरना BJP आ जाएगी, अरे इससे बढ़कर क्या होगी। कि मैं भी एक ज़माने में जनता दल के खिलाफ था, सब जने खिलाफ थे। अब देवेगौड़ा जो है ना, कुमार स्वामी CM ही वहाँ पर मौजूद हैं, क्या वो BJP के साथ जा सकते हैं? 23 मुसलमानों को उन्होंने टिकट दी है। जब उलमा इकराम बेंगलुरु के, 2 मिनट में बात खत्म कर रहे हैं, जब उलमा इकराम इलाज सेठ जानते हैं कि बेंगलुरु के तमाम 21 जमातों के जो उलमा इकराम थे, सब मिल्ली काउंसिल भी वहाँ मौजूद थी, सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी से और जनता दल से जब बात की, तो कांग्रेस पार्टी से ये मुतालबा किया गया कि 21 टिकट दिए जाएँ। तो उन्होंने तमाम उलमा की जो राय थी उसको मुस्तरद करते हुए सिर्फ 14 टिकट उन्होंने दिए। तो वही बात लेकर के कुमार स्वामी और जसदी देवगढ़ा के पास गए। मैं बिला किसी पार्टी की तायद नहीं कर रहा, लेकिन हकायक पर मैं ये बात कह रहा हूँ, और इसलिए भी कह रहा हूँ कि 2008, 2013, 2018 में मैं अलग ऐलान करता हूँ, किसी मुसलमान में अक्सरियत के साथ जनता दल को वोट नहीं दिया। कि क्यों नहीं दिया? कि वो BJP के साथ जाएगी तो क्या हक बनता है कि हम जनता दल BJP के साथ गई उसको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए? जब हम किसी पार्टी में मजबूती के साथ जब वोट देते हैं, तो उस पार्टी का कालर पकड़ के लीडर को हम पूछ सकते हैं कि हमने आपको वोट दिया है, जैसा हमने कांग्रेस को पूछा, लेकिन कांग्रेस ने हमारी बातों को हिजाब में, तो ऐसा एक माहौल आया कि पार्टी के एक सदर ने खुद कह दिया कि कोई हिजाब पर बात नहीं करेगा, गावकशी पर बात नहीं करेगा। तो आपको हमको ये सोचना है, खालिद सैफुल्ला रहमानी है, डॉक्टर मंजूर आलम है, इन हालात में सभी जो हमारे उलमा इकराम हैं
उनकी ये राय है कि मुसलमानों को किसी एक पार्टी से जुड़ना नहीं चाहिए, सभी जो इलाकाई पार्टी हैं जो सेकुलर हैं उनके साथ हमको जुड़ना चाहिए। तो मैं उसी की तरफ आ रहा था कि जो हालात वहाँ उलमा इकराम के, तो जब वहाँ पर देवगढ़ा कुमार समी और सी इब्राहिम के पास वहाँ मीटिंग हो गई तो वहाँ पर मुतालबा किया गया कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट दी जाएँ और जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को खड़ा किया है वहाँ पर आप अपना जनता का मुसलमान उम्मीदवार नहीं डालेंगे। तो ये बात को देवेगढ़ा कुमार स्वामी ने समझते हुए ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम नहीं डालेंगे, 23 सीटों का ऐलान किया और उलमा इकराम की मौजूदगी में यहाँ पर क्या ये कहा गया कि गुलबर्गा नॉर्थ में और बीदर में तब्दीली चाहिए। तो बाज़ाब्ता बीदर का तो मामला सेटल हो गया लेकिन गुलबर्गा नॉर्थ में बाज़ाब्ता ये कहकर तमाम उलमा की राय कर्नाटक की ये कहा गया कि गुलबर्गा नॉर्थ में एक मर्द यानी तुम्हारा जनदल का जो कैंडिडेट है जो भी होगा आप मर्द को डालिए, हम उसकी तायद करते हैं। ये बाज़ाब्ता कल की ये जो मीटिंग में ऐलान हो चुका है, मैं मिल्ली काउंसिल की मीटिंग में कल था तो उन्होंने कहा कि आप अलग ऐलान कर दीजिए कि गुलबर्गे में एक मर्द नासिर हुसैन उस्ताद की आप तायद कीजिए। तो मैं इसलिए ये बात ज़रूरी समझता है कि यहाँ के कुछ लोग, मैं नहीं समझता क्योंकि क्या मजबूरी है, कुछ लोग उलमा इकराम के नाम पर जा रहे हैं कि सब मिलकर के एक कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए, वही जीत सकते हैं। तो ये मजबूरियों से लाचारी से हट करके हमको आज ऊपर उठ करके जो सबका जो फैसला है बेंगलुरु के उलमा का यहाँ का, अब सभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ें और आगे बढ़ करके नासिर हुसैन उस्ताद को पूरे इत्तेहाद के साथ वोट कर हम उसको जिता कर लाने की कोशिश करें। इत्तेहाद का मतलब ये नहीं कांग्रेस को वोट डालना, आज कुछ कमीने लोग मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मफाद परस्त गुंडे रोड़े जितने हैं वहाँ सब क्रिमिनल वहाँ मौजूद हैं, ये दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। हम ये समझते थे कि लोग बोलते थे जनता दल में ये है नासिर हुसैन के पास वो है, आज पूरे का पूरा 90% जो मामला है पूरे चर्च पीने वाले गांजा पीने वाले रोड़ी क्रिमिनल आज वो हल्के में जमा है। तो ये भी हमको कचरा साफ करना है, ये लोगों को भी आपको साफ करना है एक अच्छे और मजबूत, क्योंकि आने वाले जो हालात हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। कल ही अमित शाह ने क्या कहा आपने सुना, और आज ईश्वरप्पा ने क्या कहा कि हमको मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। तो इतनी बड़ी बात हो रही है और यहाँ के MLA एक लफ्ज बीजेपी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। आप 5 साल की तारीख बता कर देखिए किसी भी उन्होंने मामले में बीजेपी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। हमने कई स्टेटमेंट दिए, हमारे उठा कर दो इलाज बाबा ने दिए, नासिर उस्ताद ने कई बीजेपी के खिलाफ स्टेटमेंट दिए, एक भी स्टेटमेंट ऐसा बताइए मोहतरमा का, हम बीजेपी के डर से मोहतरमा को बीजेपी नहीं आना, कांग्रेस मोहतरमा को जिता कर ले कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वो बोलेंगे लेकिन ना असमी में बोले ना बाहर बोले वो। तो ये ऐसी मुक्की और लाचार और बेबस मजबूरी की जो हमारी जो सीट है उसको आप खुदा हाफिज़ बोलिए, बोल करके एक अच्छे और ईमानदार और आगे चलकर जो हमारे पास कई एक मामले यूनिफॉर्म सिविल कोड है और गावकशी का बिल है और हिंदू राष्ट्र का मामला है, ये सब मिलकर के हमको आगे उसके साथ चलना है, हम उसको काम करना है। मैं और इलियास सेठ और सभी जो जितने लोग हैं हम नासिर उस्ताद के साथ हम मिल करके शाना बशाना काम करेंगे, और हम मेरा भी जो तजुर्बा है इलियास सेठ का जो तजुर्बा है यकीनन इसका फ़ायदा नासिर उस्ताद को होगा, और वो जो काम नहीं करेंगे हम सब मिल करके इंशाल्लाह करने की हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया।